नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के साथ बज चुके हैं, वक्त है सत्याग्रह का। आपके साथ मैं हूं पूजा सत्यवा। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे, जहां निकाय चुनाव में करारी हार में सपा और बसपा बौखलाई हुई है और भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्वीट वॉर शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव में भाजपा ने जहां जबरदस्त जीत हासिल की है, वहीं विपक्ष को करारी शिकस्त मिली है। मेयर चुनाव में तो विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया। इस जीत से भाजपा गदगद है, वहीं विपक्षी नेताओं ने भाजपा सरकार पर धांधली के आरोप लगाए। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ उनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी भाजपा पर धांधली के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। लिखा कि नगर निकाय चुनावों में जीते सपा के सभी प्रत्याशियों और भाजपा के खिलाफ लड़कर जीते सभी अन्य प्रत्याशियों को भी हार्दिक बधाई। नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी भाजपा बुरी तरह हारी है। निकाय संग्राम में हार पर भड़के विपक्ष के हमलों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि चुनाव जीतने को ठीक बताना, हारने पर व्यवस्था को खराब बताना विपक्षी दलों का फैशन। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग और व्यवस्था में लगे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई। कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, हार जीत उसका हिस्सा। 5 साल में फिर चुनाव होगा। और प्रदेश में भाजपा का विकल्प के रूप में खुद को पेश करते अखिलेश यादव चुनाव से पहले बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव के परिणाम ने उनके दावों की असलियत को सामने रख दिया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद समाजवादी पार्टी उत्साहित दिख रही है। दावे निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत के किए जा रहे थे, मगर नगर निकाय के नतीजों ने अखिलेश की चुनौती को और बड़ा कर दिया है। नगर निगम की 17 सीटों पर सिमटने के साथ ही सपा उपचुनाव के दंगल में भी बाजी हार गई है। सपा को स्वार और छानबे दोनों सीटें गंवानी पड़ गईं। अखिलेश हार की समीक्षा करने के बजाय सारा ठीकरा सरकार और सिस्टम पर फोड़ रहे हैं। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों को भी अपना पार्टी का सदस्य बना दिया है। एटा का उदाहरण देते हुए अखिलेश ने एक बार फिर भाजपा पर लोकतंत्र को खत्म करने का बड़ा आरोप लगाया है। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब निकाय चुनाव में सपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। समाजवादी पार्टी लगातार 2014 से हार रही है। अखिलेश ने 17 में सपा की बागडोर अपने हाथ में ली थी। इसके बाद पार्टी को हर चुनाव में हार मिली है, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का या फिर निकाय का। नतीजों में अखिलेश का हर दांव फेल नजर आया है। उत्तर प्रदेश का नगर निगम चुनाव सियासी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये लड़ाई एक तरफ तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के कामकाज की परीक्षा की थी, तो दूसरी तरफ 2024 के चुनाव के लिहाज से भी निकाय चुनाव की लड़ाई बहुत ज्यादा अहम थी, लेकिन भाजपा ने इस पर पूरी तरह से सफलता हासिल कर ली है। शहरों में भाजपा की सरकार बन चुकी है। 17 की 17 सीटों पर जीत का परचम लहराकर भाजपा ने साबित कर दिया कि फिलहाल टक्कर में उसके सामने कोई नहीं है। भाजपा ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर पद पर एक तरफा जीत हासिल की। किसी भी विपक्षी दल को महापौर सीट पर जीत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। यकीनन भाजपा की बड़ी जीत का सबसे बड़ा श्रेय भाजपा की रणनीति और सीएम योगी के मैराथन प्रचार को जाता है, क्योंकि सीएम योगी ने सभी 17 नगर निगम सीटों पर रैली की। इनमें से सभी 17 पर भाजपा ने जीत दर्ज की, यानी जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। अखिलेश ने 7 नगर निगम सीटों पर रोड शो और रैलियां की। समाजवादी पार्टी सभी 7 सीटें हार गई। 3 सीटों पर तो सपा तीसरे नंबर पर रही। निकाय युद्ध में ऐतिहासिक जीत के उत्साह से लबरेज भाजपा की नजर अब 2024 पर है। ये और 2024 की तैयारी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का हर नगर पंचायत के अंदर हर बूथ पर कार्यकर्ता रहेगा। जाहिर तौर पर निकाय युद्ध में बड़ी जीत के बाद भगवा ब्रिगेड को उम्मीद है कि इसका फायदा 2024 में उन्हें जरूर मिलेगा। अब आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है। अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ वन विभाग और प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है।
साथ ही सड़क किनारों से अवैध कब्जे हटाने शुरू हो चुके। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध धार्मिक स्थलों पर पीले पंजे का प्रहार जारी है। बुलडोजर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की ये ताजा तस्वीरें देहरादून के विकास नगर की हैं, जहां एक बार फिर से अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को जेसीबी ने गिरा दिया। प्रशासन की यह कार्रवाई कई जगहों पर हुई, जिनमें बरोटीवाला, गोकुलवाला, जीतगढ़, भोजावाला, हरबतपुर, मटक माजरी, कुंजा, कुलहाल और शाहपुर कल्याणपुर शामिल है। इन जगहों पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मजार बनाई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि मजार बनाने वालों ने पहले तो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया और फिर वहां पर मजार बना लिया। सिर्फ यही नहीं, अवैध कब्जे के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। पौड़ी में तो 227 ऐसी जगह चिन्हित की गई जहां बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सतपुली और चौबट्टा खाल में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। जिन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। हालांकि अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार पहले से सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार एक्शन में है और अवैध धार्मिक स्थलों के साथ अब सड़क किनारे किए गए कब्जे को भी मुक्त कराया जा रहा है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग शुरू की गई है। पर्यटक और तीर्थ यात्री रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। लोगों के रिवर राफ्टिंग करने की ये सुंदर तस्वीरें हर्षिल घाटी की हैं, जहां लोग हर्षिल घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। कोई अकेला ही रिवर राफ्टिंग का आनंद ले रहा है तो कहीं पर 5 लोग एक साथ रिवर राफ्टिंग करते दिख रहे हैं। दरअसल रिवर राफ्टिंग को लेकर हर्षिल घाटी में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत राफ्टिंग के 3 डेस्टिनेशन चुने गए हैं, जिनमें भागीरथ में जांगला पुल से लेकर झाला पुल तक, उत्तरकाशी में तिलोत पुल से लेकर जोशियाड़ा पुल तक और देहरादून में यमुना नदी से हथियारी गांव से कालसी पुल तक रिवर राफ्टिंग कराई जाएगी। नामी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और यहां पे गंगोत्री जाने वाले यात्रीगण राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। मेरा नाम पवन है, अभी हम लोग हर्षिल में हैं, यहां पे हम लोग राफ्टिंग करवा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि रिवर राफ्टिंग की शुरुआत उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की तरफ से की गई है, जिसके बाद अलकनंदा एक्सपीडिशन रुद्रप्रयाग की राफ्टिंग कंपनी को अनुमति दी गई है। इसके अलावा अन्य रिवर राफ्टिंग कंपनियों से पंजीकरण के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिससे हर्षिल घाटी में बेहतर ढंग से रिवर राफ्टिंग का संचालन हो सके। इस बार यूपी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में विपक्ष पूरे तरीके से उलझ गया। जहां बीजेपी ने नगर निगम के सभी 17 सीटें जीत ली, तो वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी बीजेपी ने विपक्ष को चित कर दिया और यहां तक कि भाजपा का मुस्लिम दाव भी विपक्ष पर भारी पड़ गया। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार भाजपा का मुस्लिम दाव भी खूब चला। मुस्लिम बाहुल सीटों पर भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई। बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशियों ने पश्चिम से लेकर पूरब तक अपना लोहा मनवाया। भाजपा का मुस्लिम दाव विपक्ष पर भारी। भाजपा ने 395 मुस्लिम प्रत्याशियों को पहली बार टिकट दिए थे। पंचायत अध्यक्ष पद पर 5 मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत हासिल की। 40 के आसपास सदस्यों ने भी जीत का परचम लहराया। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीदों के साथ आ रहा है। वो देख रहा है कि जिस 60 साल से जिससे हमें दूरी बनाकर रखा गया, वो अच्छे लोग हैं, अच्छी पार्टी है। भाजपा की शानदार जीत को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। मायावती और अखिलेश दोनों ने अपने अपने तरीके से भाजपा पर तंज कसा, लेकिन हकीकत क्या है, ये लखनऊ से विजयी प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने दोनों पार्टियों को बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मायावती जी, माननीय अखिलेश जी ट्वीट ट्वीट खेलते हैं, इसके अलावा कभी उन्होंने एक सभा की है? आप बताइए, लखनऊ में इतना बड़ा चुनाव था, एक सभा की है? उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, अकेला लड़ रहा था। जाहिर है निकाय चुनाव के नतीजों से भाजपा ने हर मोर्चे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। निकाय के संग्राम में भाजपा की बंपर जीत के बाद सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। करीब एक महीने के बाद लोगों की फरियाद भी सुनी। निकाय चुनाव में बंपर जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। दरअसल नगर निकाय चुनाव आचार संहिता की वजह से करीब एक महीने के बाद सीएम योगी का जनता दर्शन किया। गोरखनाथ मंदिर में पिछला जनता दरबार 9 अप्रैल को लगा था। एक महीने के बाद जनता दर्शन में करीब 100 लोगों ने सीएम से मुलाकात की, अपनी समस्याएं सुनाई। सीएम योगी ने कहा, चिंता न करें, हर शिकायत पर कार्रवाई करेंगे।
जनता दर्शन के बाद सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि पर भोलेनाथ की कृपा है और बहुत शीघ्र भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने में भी हमारी ज्योतिर्लिंगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। द्वादश ज्योतिर्लिंग एक हिमालय में केदारनाथ में है। बता दें कि सीएम योगी 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां सोमवार को सीएम श्रीमद् भगवत कथा को लेकर निकलने वाली शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे, साथ ही भागवत कथा के शुभारंभ में भी सम्मिलित होंगे। वैसे तो भाजपा ने नगर निगम की सभी 17 सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन एक सीट पर सबकी निगाहें टिकी थी और वो सीट थी शाहजहांपुर, जहां पर पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ। लेकिन इस सीट पर भी भाजपा की अर्चना वर्मा पहली मेयर बनने का खिताब हासिल कर चुकी। शाहजहांपुर में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। शाहजहांपुर को पहली महिला मेयर मिल गई है। शाहजहांपुर में बीजेपी मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने शानदार जीत दर्ज की। विजयी होने के बाद अर्चना वर्मा प्रमाण पत्र लेने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सांसद अरुण सागर के साथ पहुंची थी। मैं जनता का, अपने शाहजहांपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को। अर्चना वर्मा को 80,740 वोट हासिल हुए। कांग्रेस को 50,484 मत प्राप्त हुए। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। शाहजहांपुर में भाजपा की जीत को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों की जीत बताया। ये मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी की नीतियों की जीत है और हमारे कार्यक्रमों की जीत है। पहली बार मेयर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम जरूर लहराया, लेकिन जनपद में 3 नगरपालिकाओं में भाजपा सिर्फ 1 सीट पर कब्जा कर पाई। 2 नगरपालिकाओं में समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया। और देखिए, स्वार पर भी मिली जीत से भाजपा गठबंधन गदगद है और ऐसा मान रही है कि आजम का अंतिम गढ़ भी गिर गया है। तो दूसरी तरफ आजम खान ने इशारों इशारों में कह दिया कि वो सीट हारे हैं, हिम्मत नहीं। रामपुर में आजम खान का अंतिम किला भी ढह गया। पहले रामपुर लोकसभा की सीट, फिर रामपुर विधानसभा हारने के बाद स्वार सीट से भी सपा का सफाया हो गया। आजम के गढ़ में सपा की और हार ने आजम की साख पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सियासी मैदान में मात खाए आजम को अब भी रामपुर से उम्मीदें हैं। इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन हमने न तो अपनी हिम्मत हारी है और न हमने अपना रास्ता छोड़ा है। आप बच्चों से हम चाहते हैं बी एवर एम्बेसडर। दूसरी तरफ सपा उम्मीदवार अनुराधा चौहान को हराने के बाद भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने कहा कि अब आजम खान का दौर खत्म हो गया है। जनता ने बहुत विश्वास किया है और जनता ने जो प्यार दिया है उसके लिए जनता बहुत बहुत बधाई की पात्र है। आजम अब एक गुजरा हुआ कल है, तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नहीं कहा। वहीं स्वार और छानबे में अपना दल एस की जीत से पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी काफी गदगद है। की जैसे हमें उम्मीद थी वैसे परिणाम आए हैं। रामपुर स्वार से भी हमारे शफीक अहमद अंसारी जीत कर आए हैं और छानबे मिर्जापुर से भी रिंकी गोल जीत कर आई है, तो मेरे लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही खुशी का मौका है। वहीं स्वार और छानबे में जीत से भाजपा ने भी ये साबित कर दिया कि भाजपा न केवल खुद चुनाव जीत सकती है बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी जिताने का पूरा मादा रखती है। और कर्नाटक में बम्पर जीत से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को 2024 के लिए संजीवनी मिल गई है। एक तरफ तो कांग्रेस जश्न में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी भाजपा पर हमला करने का मौका दे दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इस जीत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, कर्नाटक की हार भाजपा के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत है। जो राजनीति नकारात्मक थी, नफरत भरी थी, भेदभाव की थी, झूठे प्रचार की थी, वो कर्नाटक के मतदाताओं ने खत्म कर दी और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत है। उधर कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस नेता भी भाजपा पर हमलावर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसते हुए कहा कि बजरंग दल हार गया, बजरंग बली की जीत हुई। कर्नाटक की जो जीत है वो इस बात का प्रमाण है कि बजरंग दल हार गया, बजरंग बली जी जीत गए। वहीं बीजेपी का कहना है कि एक जीत से इतना अहंकार कांग्रेस को ले डूबेगा। जीत के बाद अगर इतना अहंकार है कांग्रेस को, तो फिर आगे क्या होगा? ये तो अहंकार है ऐसी बात करना।
बहरहाल कर्नाटक की जीत ने 2024 के लिए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को संजीवनी तो दे दी है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस संजीवनी से 2024 में पुनर्जीवित हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय के रण में जीत के बाद शहर शहर कई पार्षद जश्न में ऐसे डूबे कि चुनाव के नियमों की ही धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सख्त हुआ, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई। निकाय चुनाव में जीत के बाद विजयी उम्मीदवार ऐसा जश्न में डूबे कि नियम कानून को ताक पर रख दिया। कानपुर में इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रास्ता रोककर विजय जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की, तो वहीं सैकड़ों समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। सोशल मीडिया पर विजय जुलूसों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जुलूस निकालने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने वार्ड नंबर 43 के भाजपा पार्षद राजकिशोर यादव, वार्ड नंबर 91 के निर्दलीय पार्षद विनोद गुप्ता और वार्ड नंबर 110 से ओबीसी की पार्टी AIMIM के इकलौते पार्षद नौशाद कालिया के खिलाफ आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। फिर भी प्रत्याशी ने नवाबगंज में सभासद के विजयी प्रत्याशी ने जुलूस निकाला है, हमने वीडियो को संज्ञान में लिया है और हमने सुसंगत धाराओं में पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और इंडियन पीनल कोड की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। वहीं अम्बेडकर नगर के इल्तिफगंज में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकालकर हारे प्रत्याशी के घर के सामने जमकर हंगामा और नारेबाजी की, तो पुलिस ने वहां पर पहुंची और सबको, दोनों पक्षों को, मजिस्ट्रेट भी पहुंच गए थे, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है और वहां पे मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। और इस वक्त जो वर्तमान समय में पूरी तरह से स्थिति एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां पर बना हुआ है। शहर शहर जीत के बाद विजय जुलूस को लेकर प्रशासन सतर्क है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी है। और सत्याग्रह में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।